Assalamu alaikum all. So today we are going to do SPSS, how to calculate data in especially quantitative data. Before starting, let me tell you what does SPSS actually mean. Basically, SPSS means statistic packages for the social sciences. Okay, so it's a new software with software package used to manage and analyze quantitative data, which has been popular in the universities these days. आपने नाम सुना हुआ होगा. There are different versions, SPSS 18, SPSS 22. So you can use any of them that is available to you. Okay, almost the overall structure is the same, only the looks are different. Okay, in the beginning, in the starting, you will see this picture that actually right now you can see on your screen. Okay, when you will click on that icon of SPSS, then this is what will appear. So there are, you can see two views, data view and variable view, this below. ठीक है, सबसे नीचे जो आपको नजर आ रहा होगा, ये दो व्यूज के नाम से है, एक डेटा व्यू, एक वेरिएबल व्यू. बेसिकली इन वेरिएबल व्यू यू हैव टू पुट द डेटा एंड देन यू हैव टू ऐड द वैल्यूज इन द डेटा व्यू. ओके, व्हेन यू डिजाइन एनी क्वेश्चनेयर देन दिस इज द वे दैट आई मीन यू मेक ऑन योर वर्ड फाइल. ठीक है, वर्ड फाइल पे जब आप बनाते हैं तो ज्यादातर आपका इस फॉर्मेट में होता है. आई होप एवरीबडी कैन सी द स्क्रीन. अगर नहीं नजर आ रही हो तो फिर मुझे बता दीजिएगा, अदरवाइज आई एम कंटिन्यूइंग. ठीक है, तो ज्यादातर हर टॉपिक इज टीचर्स परसेप्शन ऑन द यूज ऑफ लिफ्ट क्लासरूम मेथड एट यूनिवर्सिटी लेवल. ठीक है, बेसिकली दिस इज अ वर्ड फाइल एंड यू कैन सी द ऑप्शंस आर ऑफ लिकर्ट स्केल, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, इन स्ट्रांगली डिसएग्री. ठीक है, एंड देन देयर आर क्वेश्चनर आइटम्स. ठीक है, इसको जब इन्होंने उस पे बनाया गूगल पे, वो भी मैं आपको शो कर देती हूँ. आई होप यू कैन सी द स्क्रीन नाउ. शी हैज मेड यूज दैट वर्ड फाइल एंड देन शी हैज मेड अ गूगल फॉर्म, क्योंकि अब मेजोरिटी बिकॉज ऑफ दिस सिनेरियो, बिकॉज ऑफ द कंडीशन, बिकॉज ऑफ दिस COVID-19, मोस्ट ऑफ यू हैव कलेक्टेड डेटा थ्रू गूगल फॉर्म्स, राइट? सो दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू दिस गूगल फॉर्म, दैट दिस इज द वे दैट क्वेश्चनियर्स आर in display and are circulated, right? So this is the same topic, and you can see that here there is a for demographic information she has added qualification and experience with some options, right? यहाँ पे name का optional है, university name is also optional. ठीक है, ये आप लोग name या university का name अगर आपने collect किया तो fine, you can add if you want to add that in SPSS then fine. अदरवाइज इट्स नॉट नेसेसरी टू एड इट. हाँ, हम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस देख सकते हैं कि भाई क्या क्वालिफिकेशन, किस लेवल की, कितने परसेंट लोग एमए थे, कितने परसेंट एमएस थे, कितने परसेंट पीएचडी थे हमारे डेटा में. ठीक है, और उनका एक्सपीरियंस क्या था, 0 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20 और 20 more. ओके, सो नाउ फोकसिंग ऑन द डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन. अच्छा, हम वो भी देख लेते हैं. ये देखें जो इन्होंने क्वेश्चनर आइटम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनके साथ साथ ये लिकर्ट स्केल इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया है. ठीक है ना, नाउ वी हैव टू, यू हैव ऑलरेडी कलेक्टेड द डेटा. ठीक है, आपके पास डेटा आ चुका है अब तक मेजोरिटी के पास. अब इस डेटा को हमें एसपीएसएस में वो करना है, ऐड करना है. ठीक है, नाउ हाउ कैन यू डू दैट, लेट्स स्टार्ट विद दैट. Okay, so this is a blank copy of SPSS, and I'm going to show you how to put data in this SPSS file. Okay, first thing is it will open with data view. You have to go to variable view. Okay, when you will go in the variable view, then you can see that there are different labels mentioned here: name, type, width, decimal, label, values, missing, column, align, measure, and role. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू द डिटेल्स ऑफ दोज थिंग्स, बट एज मच एज नेसेसरी आई विल लेट यू नो. ओके, सो स्टार्टिंग विद द क्वालिफिकेशन, यू हैव सीन दैट देर वॉज बी एस, एम ए, एम एस एंड एम फिल एंड पी एच डी. ठीक है, तो जो क्वालिफिकेशन में
चार ऑप्शन है, हम इन चार ऑप्शन को 1, 2, 3, 4 कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि SPSS जो है वो, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इज अ क्वांटिटेटिव वन, ठीक है? सो इट कैन ओनली एक्सेप्ट अ क्वांटिटेटिव डेटा, ओके? क्वालिटेटिव नहीं आएगा. तो हमें जितना भी क्वालिटेटिव मटेरियल है उसको हमें क्वांटिटेटिव पहले बनाना है, फिर कहीं आगे कुछ हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेम में क्वालिफिकेशन, एंड देन एज सून एज यू विल प्रेस एंटर यू कैन सी दैट दिस होल लाइन इज फिल्ड ऑन इट्स ओन, ठीक है? यहाँ पे आ रहा है न्यूमरिक, देर आर अदर ऑप्शन एज वेल, बट लीव इट, डोंट डू एनी थिंग, लीव इट टू न्यूमरिक बिकॉज योर डेटा विल बी न्यूमरिक. विड्थ आपका जो, यानी कितने नंबर, कितने डिजिट्स आपको लिखने हैं, तो 8 width, आई मीन 8 digit इज देयर बाय डिफॉल्ट, लीव इट एज इट इज. इसको भी आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसको चेंज कर लेंगे, बढ़ा भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके ज्यादातर एक ही डिजिट आपको लिखना होगा. नाउ हियर डेसिमल, बाय डिफॉल्ट इट इज सेट टू डेसिमल 2, दैट देयर विल बी 2 decimal points. यू कैन चेंज इट टू 0 अगर आपको डेसिमल नहीं चाहिए, अदरवाइज यू कैन लीव इट टू 2 एज वेल. इसमें कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है? क्योंकि आपका जो डेटा फाइनल होके आएगा, जो आपकी परसेंटेज और फ्रीक्वेंसी निकलेगी, आपको बेसिकली वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, डेसिमल से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए यू कैन लीव दिस एज इट इज. नाउ ओवर हियर लेवल, यहाँ तो आप अपना वो लिख रहे हैं जो नेम आप चाह रहे हैं, ठीक है? किस कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन लेबल में आपको वो लिखना है जो आपको फाइनल कैलकुलेटेड डेटा में चाहते हैं आप, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वालिफिकेशन, क्योंकि हम चाहते हैं कि क्वालिफिकेशन ही रहे. यहाँ अभी मैं और आगे बताऊंगी आपको कि क्या कर सकते हैं. नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, प्लीज फोकस ऑन दिस वन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द वैल्यूज. व्हेन यू विल क्लिक ओवर हियर, देन दिस टेबल विल अपेयर ऑन योर स्क्रीन. देर आर टू ऑप्शंस, वैल्यू एंड लेबल. वैल्यू में, जैसे मैंने मैं आपको बताया कि जितना भी आपका क्वालिटेटिव डेटा है, आपको उसको क्वांटिटेटिव बनाना, ठीक है? तो क्वांटिटेटिव बनाने के लिए आप 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी आपके ऑप्शंस हैं वो यूज करेंगे. अब क्वालिफिकेशन के लिए सिर्फ चार ऑप्शन थे, BS, MA, MS एंड PhD, ठीक है? तो वैल्यूज हमारी सिर्फ 1, 2, 3, 4 ही हो सकती हैं. अब 1 हमने कर दिया, लेबल किस लेबल को किया, BS को. BS को हमने कर दिया कि BS जो है वो 1 कहलाएगा, एंड देन यू विल डू एंटर. देन अगेन 2 for MA, एड 3 for MS और MPhil, सॉरी, MPhil, एड एंड फोर्थ वन वॉज PhD. ओके, सो दीज आर द 4. अगर आपके इससे ज्यादा भी अगर आपने रखा हुआ, ऑब्वियस इससे ज्यादा होता नहीं, पोस्ट डॉक भी अगर चाह रहे हैं आप ऐड करना, अगर आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी है, तो आप 5 करके पोस्ट डॉक भी कर सकते हैं. ओके, देन आफ्टर डूइंग दिस यू हैव टू पुट ओके, एंड देन यू कैन सी दैट दिस इज मेंशनड हियर, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू पुट द वैल्यूज. मिसिंग इसको छोड़ दें, इसको कुछ नहीं करना, कॉलम को भी कुछ नहीं करना, अलाइनमेंट राइट ही रहने दें, उसको भी रहने दें. मेजर, मेजर के लिए आप इसको स्केल कर दें, ठीक है? इसकी भी डिटेल्स हैं, स्केल, ऑर्डिनल और नॉमिनल, कि किस चीज के लिए आपको क्या करना है, लेकिन ज्यादातर यही होता है कि हम जो यूज करते हैं वो स्केल लेवल पर ही होता है, तो लीव इट फॉर एज इट इज, आई मीन यू हैव टू क्लिक ऑन स्केल, ठीक है? ओके, नाउ यू कैन सी दैट हियर जो वेरिएबल लिखा हुआ है, सिर्फ डब्ल्यू सॉरी VAR लिखा हुआ था, यहाँ पे आ गया क्वालिफिकेशन, ठीक है? डेटा व्यू में अभी हम इसको कुछ नहीं कर रहे, अभी हम वापस वेरिएबल व्यू पे गए, और वेरिएबल व्यू पे जो हमारा सेकेंड ऑप्शन था क्वेश्चन एयर का, वो था एक्सपीरियंस, ठीक है? एक्सपीरियंस में है 0 to 5 years, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सपीरियंस, ठीक है? एज सून एज यू विल क्लिक हियर, अगेन वो सब हो जाएगा, ठीक है? वही 8 रहने, 2 रहने, न्यूमरिक रहने, यहाँ पे हम इसको एक्सपीरियंस ही करना है, ठीक
ठीक है, और उसके बाद असल चीज अगेन ये वैल्यूज हैं, वैल्यू 1 4 0 2 5 ईयर्स एड टू, सेकेंड था सेकेंड है 6 to 10 ईयर्स, 6 to 10 ईयर्स, थर्ड है 11 to 15 ईयर्स। ये आप क्वेश्चन में से देखते रहेंगे और इसमें ऐड करते रहेंगे, ठीक है, और फोर्थ इज 16 to 20। ओके, 16 to 20 ईयर्स, एंड द फिफ्थ वन इज मोर देन 20, ठीक है। एड एंड देन ये आपके जब पांचों हो गए, जितने भी आपके ऑप्शंस हैं, देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके, राइट। सो यू कैन सी दैट हियर ऑल दीज वैल्यूज आर व्हाट। अब हम ये क्यों कर रहे हैं ये अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे वापस आप स्केल कर देंगे। अच्छा, ये तो थी आपकी डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। अब इसके अलावा भी अगर आपने कोई भी डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, यू कैन ऐड दैट इन द सेम वे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चनेयर आइटम्स, अब उसके लिए आप क्या करेंगे। आई होप यू कैन सी दिस स्क्रीन, दिस इज द क्वेश्चनेयर एंड यू कैन सी दैट दिस इज फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड इज मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस, कॉपी दिस, ठीक है। अब आप आपके पास जब आप डेटा फिल कर रहे हैं SPSS में, कोड कर रहे हैं, तो आपके पास आपका क्वेश्चनेयर की सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप उसमें से आराम से इजीली कॉपी पेस्ट कर लें, तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। अदरवाइज यू हैव टू टाइप ईच एंड एवरीथिंग, ओके। तो स्पेशली ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं, इसमें कोई गलती ना हो, इसमें बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहे, इसके लिए इट्स बेटर टू कॉपी इट, ठीक है। आई हैव कॉपीड इट, नाउ आई एम गोइंग बैक टू SPSS, ओके। नाउ हियर देयर विल बी स्टेटमेंट्स, आपके स्टेटमेंट्स हैं, आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चनेयर आइटम है, यहाँ आप नेम जो दिल आपका चाहे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट वन के लिए S1 कर रही हूँ। अच्छा, वन थिंग मोर, द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट हियर देयर शुडन्ट बी एनी स्पेस। अगर मैं इसको S1 किया मैंने, ठीक है, अगर मैं इसको S1 के बजाय S1 करूंगी, तो ये कह देगा कि वेरिएबल नेम कंटेन एन इलीगल करेक्टर, ठीक है। सो इट डजेंट एक्सेप्ट एनी स्पेस और एनी अदर डिजिट, ओके, आई मीन एनी अदर सिंबल। तो आपका यहाँ पे कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर आप स्पेस देना चाहते हैं, जैसे आपका कोई ऐसा आप डालना चाह रहे हैं, या मैं इसी को करके दिखा देती हूँ, मैं S1 नहीं लिखना चाह रही, मैं चाह रही हूँ S और 1 के बीच में कोई स्पेस आ जाए, तो आई हैव टू यूज दिस सिंबल, ओके, जो डैश नीचे होता है, ठीक है, देन इट विल बी ओके। इसके अलावा ये और कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो बी केयरफुल अबाउट इट, परेशान नहीं होइएगा कि ये क्या हो रहा है। इट विल नॉट एक्सेप्ट एनी स्पेस और एनी अदर सिंबल, ओके। सो आई एम पुटिंग इट S S1, और हमारी जैसे स्टेटमेंट्स 10 है, समझ लें 15, ज्यादातर मैंने आप लोगों को कहा था कि आप क्वेश्चन एयर आइटम जो है वो एटलीस्ट 15 रखिएगा, तो मैं अभी 15 तक आपको दिखा देती हूँ। S1, S2, ठीक है, आई एम पुटिंग एंटर, देन C, एंटर, S4, एंटर। ये आपको मैं जल्दी करने के लिए बता रही हूँ किस तरह से आप जल्दी सब कवर कर सकते हैं। S6, S6 हो गया, देन S7, एंटर, S8, एंटर, S9। आप चाहें तो एक साथ ये बना के आप कर सकते हैं, या आप एक एक करके भी कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू आर आस्किंग, न्यूमेरिक रहने दें, विड्थ रहने दें, और डेसिमल को एज इट इज रहने दें। अब यहाँ पे आपको लेबल करना है, जैसे मैंने अभी क्वेश्चनर की जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी उसको कॉपी किया था, तो हेयर आई एम गोइंग टू पेस्ट दैट, ठीक है, बाय डूइंग कंट्रोल वी। यू कैन सी दैट द होल स्टेटमेंट इज मेंशनड हेयर, ओके, बिकॉज दिस इज द वन विच आई वॉन्ट टू सी इन माई
एनालाइज्ड डेटा। ओके, अब इसमें चार ऑप्शन थे, आपने देखा ही है कि आपको पता है कि चार ऑप्शन, बिकॉज इट सॉरी नॉट फोर, फाइव ऑप्शन आर देयर बिकॉज इट्स अ लिक्विड स्केल। ओके, सो वी विल पुट वन फॉर स्ट्रॉन्गली एग्री, सॉरी ठीक है, देन टू फॉर एग्री, थ्री फॉर न्यूट्रल, फोर फॉर डिसएग्री। ठीक है, जिस जिस तरह से भी आपके जो भी लिकर्ट स्केल में ऑप्शंस हैं, या जो भी आपने अगर डिसएग्री पहले लिखा है, वैसे तो एग्री होता है पहले, लेकिन अगर आपने डिसएग्री पहले लिखा है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, उसको उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन फाइव फॉर स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। ओके एंड देन ओके, नाउ हियर यू कैन सी दैट ऑल दीज ऑप्शंस आर एडेड। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको 10 स्टेटमेंट्स करके दिखा देती हूँ। वैसे तो आप लोगों के 15 या 20 जितने भी आपके ऑप्शंस हैं, बट राइट नाउ आई एम जस्ट शोइंग यू 10 स्टेटमेंट्स। आई एम गोइंग टू कॉपी द सेकेंड स्टेटमेंट, एंड आई हैव पेस्टेड इट हियर। ठीक है, ये सेकेंड स्टेटमेंट आ गई। इसी तरह से नाउ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द थर्ड स्टेटमेंट, आई एम गोइंग टू पेस्टेड, आई हैव पेस्टेड इट हियर। ठीक है, नाउ द फोर्थ वन, डिकली करना चाहें तो वर्डिंग, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, बट दिस इज हाउ आई एम डूइंग इट। ठीक है, अच्छा, आई हैव कॉपीड फोर स्टेटमेंट्स, लेट मी शो यू व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर हियर इन द वैल्यूज। वैल्यू हमने एक डाली थी, अब आप ये नंबर थ्री न्यूट्रल, नंबर फोर डिसएग्री, एंड नंबर फाइव स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। ठीक है, अगेन ओके, तो इस तरह से आप इसमें सब में करते जाए पेस्ट। ठीक है, ये आसान तरीका है। ठीक है, वजह इसकी कि आप एक 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 स्टार्टिंग में तो आपको लिखना पड़ेगा, अगर आपके लिकर्ट स्केल के सारे ऑप्शन सेम है, यही आपका स्ट्रॉन्गली एग्री डिसएग्री ये चीजें हैं, तो ये आप इस तरह से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे आप राइट क्लिक करें तो है तो वन येस टू नो। ठीक है, अगर कोई और से लिकर्ट स्केल के ऑप्शंस हैं तो आप इसी तरह से उसको वन टू थ्री फोर कर सकते हैं। अगर आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं तो जो भी आपके डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वो हर आपको हर स्टेटमेंट के लिए अलग अलग वैल्यूज डालनी होंगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम कर लेते हैं स्टेटमेंट फाइव पहले कॉपी कर लेते हैं, नीड सम टाइम। दिस इज द फिफ्थ स्टेटमेंट एंड देन सिक्स्थ स्टेटमेंट, दिस इज सिक्स। अरे तो ये मैम, हमने, वन क्वेश्चन. यस व्हाइल आई एम आंसरिंग यू आई एम मैम, वर्किंग आई ऑन नीड टू दिस, आस्क दैट. जस्ट अ मिनट बेटा, व्हाइल आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन आई एम वर्किंग ऑन इट एज वेल। ठीक है, तो वो आप देखते रहिएगा सब। जी यस अजमा, मैम, व्हाट इफ वी वांट टू ऐड द यस मिस व्हाट इफ वी वांट टू ऐड द लाइक नेम ऑफ द पर्सन दैट हैज गिवन अस द नो नो लाइक नो ऑप्शन नो के नो नो आप नो हमारा नाम डाल सकते हैं. तो नो, इट्स नॉट नेसेसरी, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन इट, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन ओके इट। वो आप कर सकते हैं, उसको भी एनालाइज करके आप क्या मैम, वन करेंगे मोर वहां तक। क्वेश्चन. जस्ट अ मिनट, एक मिनट, आप कितने लोगों के नाम पे कितने नंबर्स उसको अलॉट नहीं कर सकते ना, बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा, हंड्रेड्स और टू, जितना भी आपका डेटा है उस तक यस आपको मैम, डालना पड़ेगा। तो इट्स एंड इट इज यूजलेस, तो आपको इतना मेहनत करेंगे उसको छोड़ दें। ठीक है,